आज हम लोग बात करेंगे कि डिफेमेशन क्या होता है। टॉट ऑफ डिफेमेशन आपने सुना होगा, आज आप उसे पूरी तरीके से समझ भी पाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि डिफेमेशन क्या होता है और किस तरीके से इसके एक्शंस डिवाइडेड होते हैं लाइबल और स्लैंडर में। तो सबसे पहली बात, तो डिफेमेशन इट इज अ इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की रेपुटेशन को अगर आप खराब करते हैं तो आप डिफेमेशन के लिए लाइबल होंगे। डिफेमेशन को अगर हम आधा करें तो डिफेम करना किसी को, किसी की रेपुटेशन को जो उसने अपनी इज्जत बना रखी है पब्लिकली, अगर आप उसे र्यून करते हैं तो आप टॉट ऑफ डिफेमेशन के लिए लाइबल होंगे। दैट इज व्हाट इट इज सेड कि इट इज द इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। अब इंग्लिश लॉ में दो एक्शन से डिफेमेशन को डिवाइड किया गया है कि क्या एक्शन हो सकते हैं, तो लाइबल एंड स्लैंडर, ये दो चीजें हैं जो कि इसके अंडर आती हैं। तो लाइबल इज रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म। लाइबल एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है डिफेमेशन की जो किसी परमानेंट फॉर्म में होती है, ऐसे कि किसी ने राइटिंग में कुछ कह दिया या किसी का स्टैचू बना दिया जो उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचा रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने किसी के खिलाफ न्यूज़पेपर में कुछ उल्टी सीधी न्यूज छाप दी, कि कुछ ऐसी न्यूज छाप दी कि जिस उस तरीके से उस इंसान के रेपुटेशन को हर्ट हो या फिर वो इंसान डीफेम हो। उस इंसान ने अपनी जो कुछ भी इज्जत समाज में बना रखी है, अगर उसको इंजरी पहुंचती है तो सामने वाला पर्सन टॉट ऑफ डिफेमेशन के लिए लाइबल होगा। देन स्लैंडर की बात आती है, तो इट इज द पब्लिकेशन ऑफ अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिट फॉर्म। अब ट्रांजिट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि स्पोकन हो सकती है कि आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया कि उस इंसान की रेपुटेशन डैमेज हो गई वहां पर, तो आप उसमें भी टॉट ऑफ डिफेमेशन के लिए लाइबल होंगे। तो स्लैंडर में क्या हुआ कि स्पोकन फॉर्म में है, आपने स्पोकन फॉर्म में बोला, या फिर आपने जेस्टर्स ऐसे कर दिए, कुछ ऐसे एक्शंस कर दिए जिससे सामने वाले की रेपुटेशन हार्म हो गई, तब भी आप टॉट ऑफ डिफेमेशन के लिए लाइबल होंगे। और लाइबल में तो ये है ही कि इस रेपुटेशन जो परमानेंट फॉर्म में हो, राइटिंग में हो, किसी न्यूज़पेपर में किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा छाप दिया और किसी का स्टैचू उल्टा सीधा बन गया, या इस तरीके की जो परमानेंट फॉर्म में हो, रिटन हो बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे लाइबल। और जो याद कराती चल रही हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, और जो स्लैंडर है वो क्या होगा, ट्रांजिट फॉर्म में होती है, यानी कि स्पोकन होती है या फिर जेस्चर से या फिर एक्शन से होती है। सो दिस इज द टू एक्शन इन डिफेमेशन। इन दो तरीके से किसी भी इंसान को आप डिफेम कर सकते हो, करना नहीं, टॉट ऑफ डिफेमेशन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आने का मतलब है कि आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।